सुबह के 9 बजने वाले हैं आपके साथ में नंदिता कुलेशा हूं और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा और अगले 15 मिनट में आप देखेंगे 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज़ हंड्रेड बिना ब्रेक। वाराणसी हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 2500 से ज्यादा, लोग घायल। डीजीपी ने एसपी सिटी एसपी ट्रैफिक सहित 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। धार्मिक कार्यक्रम में 3000 लोगों की थी परमिशन लेकिन जमा हुए 80,000 लोग, जरूरत से ज्यादा लोग होने की वजह से हादसा हुआ। वाराणसी हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में किया गया रेफर, कई डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। वाराणसी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हर मदद का दिया निर्देश, मृतकों के घर वालों को 2,00,000 का मुआवजा, घायलों को 50,000 की मदद। वाराणसी हादसे पर अखिलेश ने दिए जांच के आदेश, वाराणसी के कमिश्नर करेंगे जांच, हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 5,00,000 रुपए देगी सरकार। गोवा में ब्रिक्स और बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलन का आज दूसरा दिन, आज श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आतंकवाद पर भारत और रूस साथ साथ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद बोले पीएम, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर, आतंक के खिलाफ रूस की नीति भारत जैसी। भारत और रूस के बीच 16 अहम समझौते, एयर डिफेंस सिस्टम 400 और कामोव हेलीकॉप्टर्स पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे समेत कई क्षेत्र में भी करेंगे सहयोग। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच भी द्विपक्षीय बातचीत, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। रूस ने भी की उरी हमले की निंदा, विदेश सचिव विकास स्वरूप ने दी जानकारी, आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देश एकजुट। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ आया चीन, पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने उठाया मसूद अजहर और एनएसजी का मुद्दा, जिनपिंग ने कहा अच्छी रही चर्चा। गोवा में तिब्बती लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नोएडा में 3 और संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार, पहले गिरफ्तार हुए 6 नक्सलियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रात भर की छापेमारी। जम्मू में जासूसी के लिए लाए गए 150 से ज्यादा कबूतर जब्त, पुलिस ने शुरू की जांच, देखभाल के लिए कबूतरों के एक एनजीओ को सौंपा। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, बीती रात से रुक रुक कर हो रही है फायर। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में भीषण आग, सैकड़ों एकड़ जमीन में फैली आग, काबू पाने में जुटा फायर ब्रिगेड। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 25,00,000 का लालच देकर गांव वालों से मांग रहे थे सेना और बीएसएफ की जानकारी, दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी। अपनों पर ही बम बरसा रहा है पाकिस्तान, पश्तून आबादी के एक बड़े हिस्से ने अफगानिस्तान में ली शरण, पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स पर लगाया बमबारी का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खेला आरक्षण कार्ड, कहा यूपी में सरकार बनी तो अति पिछड़े वर्ग में बचे हुए लोगों के को देंगे आरक्षण। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कहा अगले साल मैं ही पेश करूंगा छठा बजट। रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को लिखी चिट्ठी, अखिलेश को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की, शिवपाल ने भी कहा एसपी जीती तो अखिलेश होंगे सीएम। ट्रिपल तलाक के खिलाफ यूपी में फिर सड़क पर निकली मुस्लिम महिलाएं, लखनऊ में निकाला शांति मार्च, डीएम के जरिए पीएम को भेजा गया। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, डीजल 2.37 रुपए और पेट्रोल 1.24 रुपए प्रति लीटर महंगा, नई कीमतें लागू। सुप्रीम कोर्ट से टकराव के रास्ते पर बीसीसीआई, सूत्रों के हवाले से खबर, जस्टिस लोढ़ा पैनल की कई सिफारिशें मानने से किया इनकार, अनुराग ठाकुर सोमवार को दाखिल करेंगे नया हलफनामा। भारत से तनाव बढ़ाकर पाकिस्तान एयरलाइंस की हालत पतली, कैंसिल करनी पड़ी कराची से दिल्ली और मुंबई की कई उड़ानें, 3 हफ्तों से नहीं मिल रही सवारियां। हरियाणा में हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा पर 35वां वार्षिक मेला, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कर रहे हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता। हरियाणा के हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का छात्रों को गुरु मंत्र, डॉक्टर चंद्रा ने कहा अपने टैलेंट को पहचाने छात्र, छात्रों के साथ बांटा अपना अनुभव। जम्मू कश्मीर में शहीद एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, राजस्थान के दौसा में पैतृक गांव में दी जाएगी मुखाग्नि। मध्य प्रदेश के शहडोल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कुपोषण पर अजब गजब ज्ञान, कहा शादी के 3 साल बाद तक बच्चा पैदा करने के कानून का पालन नहीं करते लोग, जिसकी वजह से होता है कुपोषण। मध्य प्रदेश के भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर पर विवाद, कृष्ण अवतार में दिखाए गए सिंधिया समर्थकों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, एसपी और डीजीपी से की गई शिकायत। बिहार के राजगीर में आज जेडीयू का राष्ट्रीय अधिवेशन, यूपी चुनाव की रणनीति और पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बादल के घर कांग्रेस का धरना खत्म। लुधियाना के एडीसीपी के तबादले के बाद माने कांग्रेसी, पुतला दहन विवाद के बाद से दे रहे थे धरना। मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रक के नीचे उतरा मुंबई पुलिस राजधानी एक्सप्रेस का इंजन का पहिया, स्पीड कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं। मुंबई के बोरीवली में तेज रफ्तार बस ने मारी 8 गाड़ियों को टक्कर, ड्राइवर को हटाकर बीपीओ कंपनी का एक कर्मचारी चला रहा था बस, हादसे में एक ऑटो ड्राइवर घायल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की स्वराज इंडिया पार्टी अगले साल दिल्ली में लड़ेगी नगर निगम चुनाव, गोवा पंजाब यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने पर भी विचार। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत का बड़ा बयान, कहा पार्टी के खिलाफ जाने वाले दोनों विधायक मनोज यादव और इरफान अंसारी पर होगी कार्रवाई, पार्टी में अंतर्कलह की बात से किया इनका। महाराष्ट्र के जलगांव में पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से और जल संपदा मंत्री गिरीश महाराज के समर्थक भिड़े, जलगांव में बीजेपी के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा समुदाय ने मूक मोर्चा निकाला, मोर्चे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी शामिल हुए, भीड़ में मराठा आरक्षण की तर्ज पर दलित मोर्चा निकाला। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला नया अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तस्वीर और शराब की मात्रा दर्ज होगी। अवैध होर्डिंग को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, याचिकाओं में कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियां अवैध रूप से पोस्टर और बैनर लगाकर सार्वजनिक जगहों को करती हैं बदनाम। दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ना शुरू, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट पर जारी तस्वीरों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में फसलों को जलाने से हो रहा है प्रदूषण, दिल्ली तक बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 250 करोड़ रुपए का सांप का जहर जब्त, 4 गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में मुस्लिम लोगों ने निकाला मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थन में जुलूस, नीतीश और लालू के खिलाफ की नारेबाजी, 30 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। सिवान में नाराज डीएवी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल को बनाया बंधक, वेतन का भुगतान नहीं होने से नाराज कॉलेज के शिक्षक हैं हड़ताल पर, छात्रों ने लगाया भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। बिहार के पिरो में तीसरे दिन भी आगजनी और पथराव, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में नाराजगी, आगजनी के आरोपों में गिरफ्तार लोगों को रिहा कराने की मांग। पटना जू के गेट पर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों का हंगामा, जू प्रशासन ने आज से बगैर पास के एंट्री पर लगाई है रोक। बिहार के नवादा में बीए की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर छात्रों का हंगामा, फीस लेने के बाद छात्रों को मिली थी नकली रसीद, 1000 से ज्यादा छात्र नहीं दे पाए परीक्षा। यूपी के बिजनौर में आरएलडी का विरोध प्रदर्शन, गन्ने का मूल्य तय करने और बकाया भुगतान की मांग की किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी के चित्रकूट में मधुमक्खियों के हमले से मचा हड़कंप, कन्या भोज के दौरान हवन से धुएं से उड़ी मक्खियां, 15 मासूम बच्चों समेत 20 लोग घायल। यूपी के चित्रकूट में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर उगाही, एक महिला ने नर्स पर लगाए 600 रुपए लेने का आरोप, शिकायत के बाद भी अस्पताल ने नहीं की कार्रवाई।